Thank you so much. Can you say subscribe to AS Vlogs? You money. जय जय क्या बोल रहे हो यहाँ पे दूसरा स्टेप पानी महंगा तो भाई अब मैं जा रहा हूँ भाई शिप में तो इसमें हम जाने वाले हैं भाई कितना अमेजिंग है ब्रो लिटरली क्या ही हवा चल रही है भाई क्या ही एक्सपीरियंस है ये आ गया पूरा भैया देख लो भाई एक आंटी बेचारी रोज बेच रही थी भैया को लगा कि रोज वो फ्री में दे रही है भैया ने रोज पकड़ लिया उसे और भाई रिसेप्शन वाला बंदा आया मुझसे पूछने कि हाँ सर आपको कौन सा रूम चाहिए तो भाई ये लंदन ब्रिज का जो सबसे नियरेस्ट स्टेशन है मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ अब हम जाएंगे स्ट्रैटफोर्ड स्टेशन स्ट्रैटफोर्ड स्टेशन से हम ट्रेन पकड़ेंगे सीधा हम ठीक है साउथ एंड ऑन सी वहाँ पे जाएंगे वहाँ पे जैसे कि आपने पुरानी वीडियो में देख लिया होगा अगर नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई बटन पर लिंक दे दूंगा मेक श्योर यहाँ से वीडियो देख लेना तो अब हम नीचे जाते हैं टिकट्स लेते हैं और चलते हैं स्ट्रैटफोर्ड से तो भाई अभी हमने टाइम बचाने के लिए भाई उबर बुक कर ली हुई है 60 pounds की उबर पड़ी है 62 पाउंड्स की उबर पड़ी है अगर हम बाय ट्रेन जाते तो भाई हमको दो स्टेशन चेंज करने पड़ते तो एक जगह जाने का यहाँ से स्ट्रैटफोर्ड जाने के 7 pounds था और उसके बाद से साउथ एंड ऑन सी तक जाने के भाई 12 pounds थे तो भाई कुल मिला के भाई 7 + 12 भाई बढ़ रहा था हमारा बजट से बाहर ही जा रहा था तो हमने सोचा कि भाई इससे अच्छा हम उबर ही करा लेते हैं थोड़े से पैसे लाइक 4-5-6 pounds ज़्यादा लग जाएंगे बट स्टिल हम टाइम से पहले पहुँच जाएंगे तो हमने इसलिए उबर ही करा ली अब हम उबर में जाएंगे इजीली आराम से जाएंगे मस्त बैठ के चिल करते खाते पीते तो भाई अब सीधा हम आपको उबर में मिलते हैं चलो भाई भैया को पता नहीं हम यहाँ पे बैठे हैं भैया हमको ढूंढ रहा है वो देखना भैया ये देखो भाई भैया हमको ढूंढ रहा है भैया भी कॉल करेगा मेरे को भैया बुढ़ापे में आ गया अपने वेलकम दोस्तों वेलकम तो भाई अब हम उबर का वेट कर रहे हैं विद इन 5-6 minutes उबर आ जाएगी हम बैठे हैं भाई थकान हो गई बहुत ज़्यादा लेकिन कोई ना हम साउथ एंड ऑन सी जाके मस्त खाएंगे पियेंगे घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी होगी हमारे साथ यूके में भाई लंदन में बड़ी गंदी ट्रेजेडी होगी हमारे साथ भाई 4 times मैंने कैब बुक कराई और 4 times मेरी कैब भाई कैंसिल कर दी है हम पिछले 1 hour से यहाँ पे बैठे कि अब कोई आएगा भाई सारे के सारे कैंसिल पे कैंसिल कर ही जा रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि हम साउथ एंड ऑन सी जा पाएंगे लाइक हम वहाँ पर जाके एक्सप्लोर कर पाएंगे मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो अब हम सोच रहे हैं कि हम यहीं पर लंदन को एक्सप्लोर करें तो मैं इसी के 2 videos ले आऊँगा 3 की जगह मैं अब 2 में शॉर्ट कर रहा हूँ इसको 2 vlogs में ये पूरा लंदन लाइक जितना मैं अपने 1 day में एक्सप्लोर कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा कि मैं साउथ एंड ऑन सी जाऊँ ठीक है वहाँ पे एक्सप्लोर करूँ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस और बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है वो भी नो डाउट नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा वहाँ पर जाने का बट anyways फिलहाल के लिए तो वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं तो पहले भाई पेट पूजा करते भाई आपको पता है पेट पूजा फिर काम दूजा पेट में भाई कुछ जाएगा तो भाई एनर्जी मिलेगी ना तो हम सोचे फिलहाल हम मैकडी चलते हैं रैपा पकड़ते खाते हैं आराम से पेट पूजा करते हैं 5-10-15 minutes रेस्ट करते हैं और फिर हम चलते हैं कहीं और नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए चलो वो देखो भाई क्या ही व्यू है जो सोचा भाई वैसे तो हुआ नहीं बट जो नहीं सोचा वो हो गया ऑब्वियसली वही होना था जो नहीं सोचा था तो अब हम नेक्स्ट टाइम कोई भी प्लान बना रहे हैं तो भाई हम पहले सोच समझ के ही प्लान बनाएंगे प्लान तो हमने बनाया ही नहीं था सब कुछ इंस्टेंट था बस हो रहा है कुछ भी प्लान था नहीं तो कोई ना नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का और नेक्स्ट टाइम मैं ये ट्राई करूँगा कि भाई मैं एक माइक खरीद लूँ क्योंकि भाई वॉइस बहुत ज़्यादा क्रैक होती है आई नो बीच बीच में वॉइस क्रैक होती है मैं जल्दी से जल्दी पैसे इकट्ठे करूँगा और फिर एक जल्दी से अच्छा माइक लूँगा है ना भाई प्यास लग रही है फिलहाल पानी वानी पकड़ते हैं यहाँ से थक गया यार मैं चल चल के भाई तब से चल ही रहे हैं ना कसम से पागल हो गया हूँ मैं 13 pounds भाई 1300 rupees का अगर आप खुद कन्वर्ट करो वैसे मैं तो करना नहीं चाहता बट मैंने कर ही लिया तो फिर समझ ही रहा हूँ भाई 1300 rupees का ही है इंडिया में तो भाई 200 rupees के मिल जाए बट ये मिलते नहीं है भाई लंदन ब्रिज कौन खरीद रहा है वहाँ पे और 500 का ही है 5 pounds की बोलो यार 500 मत बोलो उधर सारे सारे कैलकुलेट करने लग गए ना भाई मुश्किल हो जाएगी सब क्या बोल रहे हो यहाँ पे दूध सस्ता पानी महंगा दूध कितने का है यहाँ पे देखो ये 1 pound का देखिए ये देख 1.59 का ना हाँ पानी 1.5 liter पानी की बॉटल भाई 2.29 भाई देख लो लेकिन यूके में आने के बाद ना पानी मत पियो बियर पियो या दूध पियो शाबाश बेटा मैं तो भाई एडवाइस यही करूँगा कि बाहर से खाना वाना मत ही खाओ बट हाँ मैं बाहर आ चुका हूँ घर पर नहीं हूँ मैं खुद का नहीं बना के खा सकता तो बेटर है कि भाई अब कुछ अच्छा ही खा लूँ बट अच्छा क्या ही मिलेगा भाई यार बीच बीच में चीट मील चल जाती है जब मन किया तो खा लेना चाहिए फिर चीट मील चल लगता है यार कभी कभी खाना कौन सा रोज़ रोज़ खाना है KFC ये सब मैगडी तो
कुछ ना कोई ना आज खाते हैं, फिर उसके बाद 2-4 महीने फिर नहीं खाएंगे। भाई सिर्फ पानी की बोतल लेने के लिए भाई इतना कष्ट कर रहे हैं भैया यार। टेस्को से पानी सस्ता ही ना, 1.5 पाउंड की भाई 5 लीटर की बोतल है। कितनी है ये? 5 ही है शायद, 5 लीटर की बोतल। कुछ खाते है, भूख भाई बहुत तगड़ी वाली लगी है कुछ भाई। मैं तो भाई पेट भर के खाने वाला हूँ। वीगन बर्गर 6 पाउंड का, और कुछ नहीं है इसमें, ये सारा वीगन वेज ही है वेज। भाई आपको एक और फिर से एक और बात बताऊं, फिर से प्लान कैंसिल हो गया। तो फिलहाल के लिए तो यही सोच रहे कि हम मैकडी चल रहे हैं, तो मैकडी चलते हैं फिर वहां पे जाके ऑर्डर करते हैं। तो ये होता है प्यार, इतने एज्ड हो गए बट स्टिल यार साथ हैं, आंटी हेल्प करते जा रहे हैं। भाई अगर प्यार मिले ना तो ऐसा मिले, वरना ना ही मिले तो ही सही है। भाई बहुत ज्यादा भूख लग रही है यार, जल्दी करा लो, जल्दी करा लो भैया, जल्दी करा। भाई फाइनली ऑर्डर हमने बुक कर दिए, 036 हमारा ऑर्डर नंबर है। भाई इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई है ना कसम से, रेस्ट चाहिए तब से खड़े हैं भाई, बैठने की जगह नहीं मिल रही है। अब जल्दी से सामान वामान यहाँ से लेते हैं और कहीं पे जाकर बैठ के खाएंगे भाई, तसल्ली के साथ 1-2 घंटा लगा के खाऊंगा आराम से। भाई एक तो सुबह 3 बजे की बस थी भाई, 3:30 बजे की, उसकी अलग ही भाई थकान पड़ी है भाई, क्या ही बोलूँ मैं। बट कोई ना, जल्दी से कुछ खाते हैं, एनर्जी तभी आएगी वरना नहीं आएगी। भाई सामान हमने ले लिया भाई भर के, अब भर पेट खाना खा के भाई रेस्ट करेंगे आधा एक घंटा लंदन ब्रिज के बिल्कुल सामने बैठ के। ये देखो भाई लंदन ब्रिज एकदम सामने हमारे, यहाँ पे हम आराम से बैठ के खाएंगे और मस्त चिल करेंगे ब्रो। वो देखो लंदन ब्रिज, ये मैकडी और ये तुम्हारा भाई बैठा है यहाँ। भाई इतनी ज्यादा थकान हो गई है ना, अभी नींद लगा रही है, भूख तो चलो मिट गई हुई है बट यार घर जाने का मन कर रहा है अभी कसम से। अभी तो सुबह से 3:30 हुए हैं शाम के, लाइक दोपहर के, अभी रात के 12 बजे की बस है हमारी, लिटरली 12 बजे की, 7-8-9 घंटे पता नहीं कैसे निकालने वाले भाई हम, हमको कुछ नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। अभी हम सोच रहे हैं 5 गाइज के अंदर जाए, फ़ोन शोन चार्ज पे लगाएंगे क्योंकि फ़ोन भी डेड होने वाला है, 15% बैटरी है और ऊपर से फिर जो मेरा पावर बैंक है वो भी ऑलमोस्ट डेड ही है। नींद आ रही है बहुत तगड़ी वाली है, ऊपर से 12% फोन की बैटरी है, मुश्किल हो जाएगा दिन निकालना कसम से, अभी तक 4 भी नहीं हुए पता है। भाइयों ये देखो लंदन ब्रिज खुल चुका है भाई, भाई जो टॉप ब्रिज है ना खोल दिया है भाई ब्रिज को, ताकि भाई एक इतनी बड़ी शिप भाई पास हो सके। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, भाइयों इस वक्त मैं द टावर होटल के इस वक्त अंदर हूँ, ठीक है भाई। जैसे कि आपको मैंने बताया था फ़ोन मेरा डेड हो गया हुआ है, फ़ोन भाई मैंने चार्ज पे लगाया है, ये देख लूँ फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ है। और भाई रिसेप्शन वाला बंदा आया मुझसे पूछने कि हाँ सर आपको कौन सा रूम चाहिए,
तो मैंने बोला एक्चुअली ना मेरा एक फ्रेंड है वो उसका हम वेट कर रहे हैं, तो हम जब वो आएगा तो फिर हम प्लान करके बताएंगे आपको। ऐसे जब हमने प्लान नहीं किया, जब वो आएगा तो हम प्लान करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहीं पे बैठ रहे हैं। तो कहते कोई बात नहीं सर, आप बैठे रहो, जब वो आएगा तो हमको बता देना। जब तक वो आएगा, जब तक मेरा 70-80% चार्ज हो चुका होगा, मैं गायब हो जाऊँगा यहाँ से। भाई क्या करें भाई, नहीं है भाई पावर बैंक, अच्छा डेड हो गया, क्या करें, करना पड़ता है भाई। ये इंडिया नहीं है ना, इंडिया में किसी को समझाओ तो वो समझ जाएगा। इसको क्या बोलूँ कि फ़ोन चार्ज करना है, वो भी निकाल देगा मेरे को। स्ट्रगल आपके लिए, स्ट्रगल करो, देख रहे हो। भाइयों अब मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो भाइयों अब मैं जा रहा हूँ भाई शिप में, जो एक्चुअल जो तगड़ी शिप है ना भाई, इतना ज़्यादा लंबा डिस्टेंस तो नहीं हम कवर करने वाले हैं, जस्ट फॉर 40 मिनट्स यहाँ से बिग बेन तक हम जाएंगे। और ये भाई टिकट हमने ले लिया, खुश खबरी भाई, मस्त हो गई है, लेट्स एक्सप्लोर द लंदन बेबी। भाई ये है भाई, यहाँ से एंट्रेंस आ चुकी है इसकी, वो सामने भाई टावर ब्रिज दिख रहा है हमको। इसकी टिकट अगर आप ऑनलाइन करवाते हो तो सस्ती पड़ेगी, अगर आप ट्रैवल कार्ड से करवाते हो तो थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, बट अगर आप कैश करवाते हो तो थोड़ी सी और महंगी पड़ेगी। तो बेटर ये रहेगा ऑनलाइन, या ऑनलाइन इन द सेंस इनकी साइट पर जाके, या इनके ऐप से, या फिर ऑयस्टर कार्ड से, इन तीन चीज़ों से करोगे तो आपको बहुत सस्ती पड़ने वाली है। तो भाई मैं तो भाई लंदन तो भाई बहुत कम ही आने वाला हूँ, क्योंकि भाई लंदन में मैं रहता नहीं हूँ, तो इसलिए फिर मेरे लिए स्टैंडर्ड ही ठीक है। एक बार के जाना, कौन सा बार बार आना है, ठीक है ना। ये आ गए भाई सिटी क्रूजर्स, ओके। तो इसमें हम जाने वाले हैं, एक बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है मेरा आज तक का लिटरली, और भाई बहुत मज़ा आने वाला है भाई। यहाँ से व्यू तो भाई और ही इनसेन लगता है यार, इसके ऊपर जाके तो भाई अलग एक्सपीरियंस आएगा। लेट्स गो ब्रो, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स गो। कितनी मस्त है यार, इसके अंदर भाई डाइनिंग टेबल लगे हैं, शायद आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इसके अंदर से तो भाई मैं आपको कह दिखाऊँ उस साइड, तो लाइक आर पार यार, दो दो गेट है, एक इस साइड है और एक उस साइड है। ये आ गया पूरा, आइए देख लो, ठीक है। ये यहाँ पे वॉशरूम है भाई साहब, ये तो अलग ही व्यू है ब्रो। भाई ओ पहला आदमी जब बन चुका हूँ मैं, नहीं अरे दूसरा भाई, कितना अमेजिंग है ब्रो, लिटरली क्या ही हवा चल रही है भाई, क्या ही एक्सपीरियंस है, इनसेन ब्रो, इनसेन। भाई बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस भाई, मस्ट ट्राई है भाई, मस्ट आओ यहाँ पे, ये देखो ये ब्रिज के नीचे से सेम ब्रो, दिस इज इनसेन। ये देखो मेरे पीछे भाई बैटलशिप भी दिख रही होगी आपको, बैटलशिप निकल गई और हम बैटलशिप के आगे हो गए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, बहुत ही न्यू और बहुत ज़्यादा लाइक अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस किया, ये चीज़ मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है भाई। ये देखो इनके लिए भी भाई रेड लाइट ग्रीन लाइट ये सब लाइट्स होती हैं, ये देखो इस बार देख रहे हो भाई, क्या ही डिफरेंट और कितना यूनिक एक्सपीरियंस है यार। मैंने लिटरली कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी इस पर भी बैठूंगा यार, लेकिन हो रहे हैं भाई, सपने पूरे हो रहे हैं, छोटे 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 सपने पूरे हो रहे हैं। एक टाइम ऐसा भी आएगा भाई, अपनी गाड़ी अपनी मर्जी की खरीदेंगे, जो हमारा मन करे वो खरीदेंगे यार, आएगा वो टाइम भी बहुत जल्दी। बाकी बने रहो यार व्लॉग में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो मजा आ रहा होगा जैसे मेरे को आ रहा है। देखो भाई ये क्या ही चीज है भाई साहब, भाई बहुतों का डर लगता है, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, ये चीज देख के डर लग रहा है, इसको देख के बहुतों का लगता है भाई। लगा रहा हमारे साथ अंकल, अब आपको मेरे पीछे व्यू तो दिख ही रहा होगा ना, लॉक देखो। लंदन आई है बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे बैक साइड में, और जो बिग बैन है वो मेरे लेफ्ट साइड में, भाई कितना सुंदर लग रहा है यार। इधर ही फोन को अटका दिया भाई रिस्क के ऊपर मैंने भाई साहब, बेस्ट एक्सपीरियंस आज तक का, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस, लिटरली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, इतना अमेजिंग लग रहा है ब्रो। हाय भाई छोटू, भाई अब हम भाई बोट से उतरने वाले हैं बहुत ही जल्दी, अभी उतर जाएंगे वैसे तो, लेकिन
जो हमारे 13 pounds के भाई वो एकदम वर्थ इट है, एकदम वर्थ इट। मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैंने पैसे बर्बाद कर दिए भाई। माना कि भाई पैसे जो है वो मेहनत से कमाए जाते हैं, बट भाई ये जो एक्सपीरियंसेस है ना ये बार बार नहीं मिलते, ये जो मौके हैं बार बार नहीं मिलते। और जो ये ज़िंदगी है ना भाई, ये भी ज़िंदगी एक ही बार मिलती, बार बार किसी को नहीं मिलती। मौके सबको मिलते हैं, लेकिन जो चांस होता है ना, जो चांस वो हर कोई ग्रैब नहीं करता। और जिसको चांस मिलता है ना भाई, वो ग्रैब कर लेना चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेनी चाहिए, जैसे मैंने की। ठीक है, अब जो भी यहाँ आ रहे हो ना, जो अब मिस कर रहे हो इतनी सारी चीज़ें, भाई यहाँ पे आओ, बहुत कुछ एडवेंचर, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ एडवेंचर ऐसे यहाँ पे करने के लायक। जैसे कि मैंने मजे की, भाई आप भी कर सकते हो यार, क्या बड़ी बात है। यहाँ पे और मजे करो यार, चिल मारो, एकदम मजे करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, लेकिन भाई अपने पीस ऑफ माइंड के लिए भाई एटलीस्ट एक या दो दिन का भी ट्रिप रख लिया करो, महीने में या दो महीने में एक बार तो रखा करो एटलीस्ट, ताकि दिमाग को शांति मिले। भाई कितना काम करोगे, कितना जोर दोगे शरीर को, एक दो दिन की रेस्ट भी दे देनी होती है भाई। एकदम पैसा वसूल भाई, लिटरली एकदम वर्थ इट चीज भी है, बहुत मजा आया लिटरली। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस भाई, नाइस मीटिंग यू सर, थैंक यू सो मच, यू टू, सीयर्स बाय। चलो भाई अब चलते हैं, एकदम मजेदार ट्रिप भाई, मजा आ गया यार, एकदम पैसा वसूल मेरा, कोई रिग्रेट नहीं है मेरा, एक एक रुपया जितना भी लगा ना, एक एक पाउंड भाई एकदम वसूल हुआ मेरा, कोई पैसा बर्बाद नहीं हुआ, बहुत मजा आया। मैं तो चाहता हूँ भाई जो भी भाई हमारे यूके में आ रहे हैं, भाई यार मजदूरी भी कर रहे हो, मेरे को पता है मेहनत कर रहे हो, पता है यार, एटलीस्ट एक दो महीने में यार एक दो दिन अपने आप को, शरीर को रेस्ट दो भाई, मजे करने आओ, लंदन जाओ, मैनचेस्टर जाओ, जहाँ मन करता जाओ, एक दो दिन की रेस्ट दो भाई, पीस ऑफ माइंड हर किसी को चाहिए होता है। अब भाई सबके पास गर्लफ्रेंड थोड़ी है, और जिसके पास नहीं है वो तो भाई बाहर ही जाएगा ना घूमने के लिए, हमारी तरह मूवमेंट हो गया। चलो ठीक है भाई, अब हम किसी और जगह देखते हैं, 4-5 घंटे अभी पड़े हम भाई, घूमना फिरना ही हमने और करना ही है, 12 बजे रात को बस हमारी, तो तब तक मिलते हैं। सो भाई बिग बैन को करते हैं हम हाय वापिस से, हम वापिस से बिग बैन पहुंच चुके हैं। रिक्शे वाले अंकल देख लो भाई कैसे देख रहा है मेरे को, लेकिन चलो ठीक है, कुछ तो हो गया भाई। रिक्शे भाई लंदन में कौन कहता निकलते, आपको क्या कहते हैं, प्राइस दिखाता हूँ, ये प्राइस भाई, जिसको भी भाई रिक्शे के मजे लेने ना लंदन में, आओ भाई मजे करो यार लंदन में, रिक्शे में घूमो, कौन कहता है यहाँ पे रिक्शे नहीं चलते। पिंक कलर की लाइट जग रही होंगी, बट भाई ये रात के अंधेरे में ना बहुत ज्यादा अमेजिंग लगती है भाई। अंकल कितना चावल बता रहे हैं भाई, अंकल को दिल से एक लाइक अंकल के लिए यार, इनका भाई वायलिन भाई एक्चुअली बहुत अच्छा बजा रहे हैं, हमने खुद भाई 2 मिनट बैठ के सुना भाई, कितना अच्छा बजा रहा अंकल है सच में भाई। एक आंटी बेचारी रोज बेच रही थी, भैया को लगा कि रोज वो फ्री में दे रही है, भैया ने फ्री में रोज पकड़ लिया उसे यार, ये क्या करते हैं यार, कार्ड पेमेंट करा लेना भाई, कोई डॉग अपना यहाँ पे लगा के चला गया भाई, देख रहे हो भैया, भाई लड़कियों के चक्करों में आगे चला गया भैया, हो गया लड़कियां बोल रही हैं साइड हो रहे भाई, डॉग के साथ फोटो खींच रहे भाई। अब हम एकदम भाई रेस्ट मोड में आ गए हैं, लो भाई भैया भी ढेर, मैं भी ढेर भाई, भैया का नंबर टॉप पे, भैया भी ढेर होने वाला है, वो देख लो बिग बैन हमारे मुँह के सामने है, वो भाई यूके का झंडा। कसम से ना सुबह 3 बजे का उठाऊँ, 3 नहीं सॉरी 2:30 बजे का उठाऊँ, और तब से उठा ही हो, अब भाई नींद आ रही है, अब बस घर पहुँच रहे हैं यार, बस अब मेरे में हिम्मत नहीं घूमू फिरू, कुछ पता नहीं मूड चेंज हो गया, घूमने चल रहे, देखो क्या बनता है, बाय बाय। भाइयों ये देखो भाई हमारा बिग बैन, कितना सही लग रहा, नहीं अच्छा तो है यार, जो मर्जी बोल लो, 1 घंटे से हम यहीं पे बैठे हैं और हम उसी को देख रहे हैं भाई, एक्चुअल में अच्छा लग रहा है भाई। okay. भैया हमारा आ गया, पता नहीं क्यों भैया कहाँ गया था, भैया तो वॉशरूम ढूंढ रहा था, पता नहीं क्या करके आ रहा है भैया, 10 साल बाद आया हमारा, भैया को गर्मी लग रही है, क्या चक्कर है, इतना टाइम को लगा दिया, वॉशरूम में गए थे ना, वॉशरूम में नहीं मिला, स्टेशन में वॉशरूम हो ही नहीं सकता, अगर मैंने दिखा दिया फिर, अगर दिखवा दिया स्पॉट, अगर उसमें से काटने होंगे तो जब कर, अगर वहाँ पे हुआ फिर, अगर हुआ तो और बैया यार भाई वो देखो भाई कौन चढ़ा दिया भाई बेचारी को, एक ये गई ये गई, फोटो खिंचाने के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं, किस हद तक गिर सकते हैं, अब ये देख लो। चलो छोड़ो यार, घंटा घर भाई आवाज कर रहा है, बुला रहा हमको, भाइयों भाई 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 मेरे को भाई मिक्की माउस मिल चुका है, थैंक यू सो मच, कैन यू से सब्सक्राइब टू AS व्लॉग्स ह्यूमन
Good business, good business, good business. You pay, pay. I'm a student, I don't have money. Bhai saab. Copyright aane wala, copyright, dosto, copyright. Kitna sundar hai yaar. Bhai ye dekho. Wow yaar, damn good man. London aaye. और वो है हमारा बिग बेन, और वो मेरे को नहीं पता क्या है, वो जो भी है भाई बहुत सेक्सी है, बहुत सही है, इतना सुंदर लग रहा है यार, वाओ। अब भाइयों एक दो घंटा हमने यही करना है, घूमना फिरना लंदन ब्रिज पे, टावर ब्रिज पे, भाई टावर ब्रिज तो चलो बड़ी दूर है और लंदन ब्रिज भी यहाँ से बहुत दूर है भाई, हम यहीं पे बस बिग बेन के पास आगे पीछे घूमते रहेंगे भाई, फोटोज वोटोज क्लिक कराएंगे, मजे करेंगे, लोगों के साथ चिल करेंगे, बातचीत करेंगे, एडवेंचरस करेंगे, बातचीत करेंगे, लेट्स गो। हमारा भाई कोटा हो गया पूरा, थकान हो गया, अल्ट्रा प्रो मैक्स। अब हम यहाँ से सोच रहे हैं सीधा हम बस स्टेशन ही जाएं, क्योंकि भाई 10:30 तो बज चुके हैं और रात के एक डेढ़ घंटे में बस आ जाएगी हमारी, 12 बजे पहुँच जाएंगे भाई, मतलब बस निकल जाएगी हमारी 3 बजे पहुँचेंगे हम लेस्टर, सोचो 3 घंटा भाई अभी बस में ट्रैवल करना है, फिर उसके बाद बस स्टेशन से घर तक अलग जाना है, 40-45 मिनट्स की वॉक अलग करनी है भाई, बहुत तगड़ा भाई हेक्टिक होने वाला है, अभी भी फिर और हेक्टिक होने वाला है, नींद तो भाई करना पड़ेगा थोड़ा सेक्रीफाइस, पर कोई ना कल के दिन अच्छे से सोऊंगा। आप मेरे को बड़े प्यार से पूछते हो, कमेंट करते हो कि भाई यार वीडियो नहीं आ रही है, लेट कर रहे हो आप, प्लीज़ डाल दो ऐसा वीडियो अपलोड कर दो ऐसा, आई नो आप मिस करते हो यार मेरे को यूट्यूब पर, आई नो, लेकिन उसके लिए हम सॉरी, मैं थोड़ा सा डिले कर देता हूँ यार, ऑब्वियसली काम वाम होता है स्टूडेंट को, आप भी समझ सकते हो ना, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा जल्दी जल्दी ब्लॉग्स डाला करूँ, एटलीस्ट वंस और ट्वाइस अ वीक में वीडियो डाला करूँ, है ना। बस है तो नहीं, क्या है भाई कितनी मस्त लग रही है, डायन्स भाई, डायन्स भाई, डायन जा रही, डायन डायन। लग ही नहीं रहा कि भाई रात के 10:30-11 बज रहे हैं, लिटरली इतना ज्यादा रश हो पड़ा है, इतने सारे लोग हैं। तो भाई फिर से मैकडी खा रहे हैं भाई, पागल हो जाएंगे, सुबह मैकडी, दोपहर मैकडी, रात मैकडी, भाई ये लास्ट है भाई, लास्ट मील है मैकडी की, उसके हम अगले 4 महीने मैकडी की शक्ल नहीं देखने वाले, मैकडी की सेल ही हमारे कारण हो रही है भाई, सही में। चलो यार जल्दी एक आते, सीधा बस पकड़ते हैं और चलते हैं घर को, 200 देखो फ्राइज भाई, मैं दूंगा इसको, मैं खा ले, वो भाई लड़ाई हो जाएगी इनके बीच में, अभी तीसरा भाई तीसरे को मार पड़ रही थी, ये मार रहा उसको, तरफ नहीं दूंगा अभी देखना, रुको मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, मैं कबूतर भी भाई पागल है, रात के 11 बजे ना 11:30 सजा सो जाके फ्राइज खा रहा आगे, ये मार रहा है इसको पता, अभी लड़ाई होगी बीच में, देखना दोनों की, वो वेट ही कर रहा है कि मैं अभी दूंगा। तीनों वेट ही कर रहे हैं, तू खा यार, वो देखो देखो तो लड़ाई होगी भाई, उसको मार पड़ रही है भाई, उसको बेचारे को खाने नहीं दे रहा, उसको भाई उसके पीछे पड़ गया, वो फ्राई के चक्कर में हुआ कत्लेआम, दंगे छेड़ दूंगा मैं भाई। लंदन में हो रहे राइड्स, ये देख कितने आदमी थे, ये ले आया तेरा पापा पीछे। अब मैं उसको दूंगा ना, ये भाई पीछे पड़ जाएगा, उसको देखना अभी देख, लड़ाई लगाता हूँ ये बीच में, ये दे वो पीछे हो गया, पीछे हो गया, अरे यार इसके थोड़ा सा ना पास जाएगा, इन्हें लड़ाई लग जाएगी बीच बीच, ये देंगे अभी भी नहीं लगी, अब नहीं मैं दे रहा, रहने दे भाई, वो तरी है ऐसी तैसी, वो लड़ाई लग गई बीच में, सही में लड़ाई लगा दी मैंने बीच में दोनों की। फ्राइज अटक गए, एक फ्राई के चक्कर में 3 भाई में हुई अनबन। One eternity later. Finally भाई हम घर आ चुके हैं, ठीक है, अब नींद आ रही है बहुत ज्यादा, अब मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगा भाई, स्टेशन से सीधा हमने कैब की हिम्मत थी नहीं कि हम 1 घंटा चल के घर आए, ठीक है, कैब करके भी घर आए हैं भाई, फटी पड़ी है भाई, नींद आ रही है दबा के बहुत तगड़ी वाली, 3:30 बज गए अभी सुबह के। अब मैं व्लॉगिंग पेंट करता हूँ, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर की वीडियो लाइक और कमेंट भी जरूर करना अपना फेवरेट पार्ट, और आई नो कि यार 2 ही पार्ट आए हैं, 3 पार्ट आने चाहिए थे, बट मैं उस लोकेशन पर जा ही नहीं पाया जहाँ जाना था मेरे को, तो
आई विल मेक श्योर नेक्स्ट टाइम मैं वहाँ पर ज़रूर उस चीज़ को कवर अप करूँ, ठीक है। जहाँ मैं जाना चाहता था जहाँ नहीं जा पाया उस जगह की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो फिलहाल के लिए मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अपना ख्याल रखो, खुश रहो, हेल्दी रहो। सो टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।